समूचे देश भर में ठंड का प्रकोप जारी है। निमाड़ अंचल क्षेत्र में भी ठंडी हवाओं के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी है। ऐसे में गरीब वंचित जरूरतमंद लोगों को नगर के युवाओं एवं प्रभारी तहसीलदार वंदना चौहान द्वारा कंबल वितरित किए गए और नन्हे बच्चों को बिस्कुट एवं चॉकलेट देकर उन्हें खुश किया गया। इस सराहनीय कार्य में प्रभारी तहसीलदार श्रीमती चौहान के साथ नगर के शुभम पटेल, हर्षल जायसवाल, अन्नू पाटीदार, रितेश मंडलोई, नवनीत पाटीदार के द्वारा किया गया एवं सभी से अपील की गई कि अपने आसपास सभी जरूरतमंद एवं लोगों की जितनी मदद हो सके जरूर करें। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आपके द्वारा कितने लोगों को कंबल वितरित किए गए? जैसे कि हम सभी को पता है कि समूचे क्षेत्र में और भारतवर्ष में शीतलहर का प्रकोप जारी है। ठंडी ठंडी हवाओं से हर वर्ग ठिठुर रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे मित्रों द्वारा एवं हमारी तहसीलदार मैडम के सहयोग से हम लोगों ने लगभग 100 कंबल बुलवाए और हमारे क्षेत्र के आसपास के आदिवासी गांव में जाकर हमने गरीब वर्ग को कंबल वितरित किए। कहाँ कहाँ कौन कौन से गांव में कंबलों का वितरण किया? हमारे सेगांव तहसील के आसपास रावजीपुरा, जिरातपुरा, खोलगांव, वड़ा, आसपास के अन्य क्षेत्रों में हमने आदिवासी वंचित लोगों को कंबल वितरित किए। क्या नाम लिखते हैं? इंजीनियर शुभम पटेल, सेगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।